वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो अपने बात करते हैं आज अंग्रेजी साहित्य की। तो अपनी पोईम आज है ट्रीज, प्लस टू की पोईम है ये। तो इसके अंदर आपको मैं मेन रूप से बता देता हूँ कि पोईम एक प्रकार से क्या है, नेचर पर डिपेंड है। जो इसकी कवित्री है इमेडिक्स, उसने क्या समर ब्रेज का वर्णन किया है कि उसने बताया है कि किस प्रकार, यानी जो सुबह होती है, ठीक है, सुबह होती है, जैसे सूर्य किरणें यानी पेड़ पर पड़ती हैं, तो क्या है जो पेड़ पर छोटे छोटे जीव जंतु है, बीज है, मैनी क्रिएचर है, नेट्स है, ठीक है, अन्य चीज़ें हैं, वो क्या है मीमी बीवी करती है, कुछ ऐसी आवाज करती है, उस आवाज जो कवित्री उसने क्या है उसकी तो मानी है सैटरीज से। सैटरीज होती है चार बार के द्वारा भगवान की प्रशंसा में गाए जाने वाला भजन, वो कहते हैं सैटरीज कहते हैं। तो उसने उसकी तुलना की है सैटरीज से। तो इस पॉइंट के अंदर सूर्य का वर्णन है कि जब बदलाई होती है सूर्य क्या छिप जाता है, फिर बाहर निकलता है। इसके अलावा इसके अंदर क्या बहुत सी चीज़ों का वर्णन किया गया है, मतलब जितने भी यानी गर्मी के दिनों में समर डेज के अंदर जो भी यानी मेन चीज़ें हैं इसका वर्णन करना चाहिए प्रकृति के अंदर, उसका वर्णन क्या कवित्री ने इसके अंदर क्या अपनी थॉट के अनुसार किया है, अपने विचार के अनुसार किया है। तो अपने सबसे पहले चलते हैं मेन पोइम की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले पोइम का नाम है ट्रीज, ठीक है ना, पेड़ के बारे में है ट्रीज यानी। तो सबसे पहले हम चलते हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम, इसका विचार क्या है, केंद्र बिंदु क्या है। जो डिक्सन्स राइटर का डिस्क्राइब वर्णन किया है इस समर डेज, जो इसकी कवित्री है, ठीक है, उसने क्या डिस्क्राइब वर्णन किया है, क्या वर्णन किया है इसका समर डेज का, मतलब गर्मी के दिनों का वर्णन किया, ठीक है ना, ग्रीष्म ऋतु का बोल सकते हैं अपने, ग्रीष्म ऋतु गर्मी दिनों का वर्णन किया है। एंड टेल और ने बताया हाउ होता कैसे, ठीक है ना, बताया है दस सन सुबह है, अपीयर होता है प्रकट होता है, एंड डिसअपीयर होता है दृश्य, बैंड होता है पीछे, बादलों के, ठीक है ना, क्लाउड है बादलों के। ये जो गर्मी ऋतु है इसके अंदर क्या है रुपस रूप वाला क्या चल रहा है, एक रूप सूख जाता है बादलों के अंदर से बाहर करने के बादलों में वो छिप जाता है। तो क्या एक प्रकार से क्या रुकस का खेल चल रहा है सूर्य के और बादलों के बीच में, ठीक है। स्मॉल क्रिएचर छोटे छोटे जीव जंतु, छोटे 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 जीव जंतु, सिंह होता गाना गा रहे हैं, देयर सैटरीज, सैटरीज के बारे में बताया कि बाहर चारण द्वारा भजन वाले भजन से तुलना दे दिए, जो छोटे जीव जंतु जो गाना गा रहे हैं ये सैटरीज से, ठीक है। द सन कम आउट, सूर्य है बाहर होता है, एंड हेल्प सहायता करता है, ठीक है, ऑर्चर्ड बगीचे की ग्रो होता बढ़ने में, ठीक है। द बर्ड पक्षी होते हैं, बर्ड जो पक्षियां हैं, स्नेक है, सांप हो गए, ठीक है, मैनी अदर लाइव बने जो जीव है वो उसकी संस्था में बने रहते हैं, क्या बनाए रखता है, उनको क्या है वो बनाए रखता है, मतलब सूर्य होता है वो बगों में बने रहता है, ठीक है, पक्षी है, सांप है, उनके जीव जंतु है, उन्हें सूर्य को बनाए रखते हैं, सूर्य होता है देखो उसके प्रकाश से ही प्रकृति संभव है, अगर सूर्य नहीं है तो हम भी नहीं है, प्रकृति नहीं है, जीव जंतु नहीं है, पेड़ों का नहीं है, सब कुछ नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य ही क्या है एक ऊर्जा का स्रोत है जो हमें ऊर्जा देता है, लाइफ को चलाए मार है, ठीक है। अगला है एम्ब्रॉयडर फ्लैक्स का मतलब क्या है, बंद झंडे का मतलब क्या है, मतलब बंद चीजों में बंद फ्लैक्स मतलब झंडे, मतलब क्या है द ब्राइट कलर, चमकीला जो रंग का फूल है, चमकीला जो फूल है आर ग्रोन बढ़ रहा है, कौन सा स्टेम होता है तने पर, ऑफ ऑफ फ्लावर प्लांट फूल के पौधे पर, दे आर सूथिंग ऊपर ऊपर उठ रहा है, ऊपर ऊपर उठना स्लोली होता है धीरे धीरे, इन सेंस एंड सूर्य रूप में एज इफ फ्लैग इज राइजिंग इन द स्काई, जैसे कि एक फ्लैग क्या रंग तो उठता है स्काई होता आसमान में, ये जिस प्रकार यानी एक झंडा होता है वो आसमान में उड़ता है, उसका एक फूल होता है, पहले वो कली होती है, ठीक है, उसके बाद जैसे सूर्य रूप पड़ती है तो वो क्या फूल बन जाता है, वो धीरे धीरे से उठता है, ठीक है, इस प्रकार का झंडा भी उठता है। तो झंडे की तुलना क्या है फूल से करती है, कली से फूल बनना और झंडा का लहराना, ठीक है, तुलना करती है शरीर में। तो प्रमोशन एंड अंडरस्टैंड सैटरीज बाय समर, गर्मी की ऋतु के अंदर जो सैटरीज है उसका मतलब सैटरीज क्या है, राइटर इसको सैटरीज कह रहा है, ठीक है, राइटर क्या कह रहा है वो ये जो गाने हैं, ठीक है,
जो बातें हैं उसको सर्विस कर रहा है, वो वर्ड्स क्या है? फिर सर्विस जो व्यापार सर्विस दे करता है, सर्विस क्या है? स्मेल कर रहा है टू द डिफरेंट साउंड, डिफरेंट प्रकार की आवाज, डिफरेंट होता है भीम भीम, क्या होता है भीम भीम, साउंड होता है आवाज, आवाज ठीक है, इन ऐसे प्रवृत्ति में प्रोड्यूस होता है लाई जाती है बाय ट्रीज होता है पेड़ों के द्वारा, बीज होता है मधुमक्खी हो गया, मधुमक्खी हो गया ठीक है ना, नेट्स हो गया, फिर पतंगे हो गए एंड अदर स्मॉल और दूसरे छोटे जीव जंतु के द्वारा बाय जाती है। थ्री दैट कमिंग आउट ऑफ द सन, सूर्य के आने से इन द मॉर्निंग सुबह ड्यूरिंग समर गर्मी ऋतु में, तो गर्मी ऋतु जैसे सूर्य उदय होता है तो पेड़ पर जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं ठीक है वो अपने नियमित ड्यूरिंग असर करते हैं, और इसी मधुर आवाज की तुलना जो कवित्री उसने किससे की है, सेल्डिस की है, सेल्डिस मतलब चार भक्तों के द्वारा गाए जाने वाला भगवान की प्रशंसा में वचन, तो उसको जो वचन लग रहा है कि ये क्या है ना से कृषियों का वचन है, तो इसका मतलब ये प्रकृति के जो गर्मी ऋतु में तुलना की गई है वो वहाँ में बताया गया है, तो इसका सेकंड आइडिया और समझा दिया, और इसके अलावा जो अपने सेकंड में किया था हेड फ्लैग ठीक है बहुत जगह का तुलना की इसलिए फूलों से फूल कली से फूल बनता है, तो अपने अंडरस्टैंड बाय सेकंड्रीज का मतलब मतलब क्या होगा कि चार बाटा के कारण करते हैं वचन करते हैं भगवान की प्रशंसा में होता है सेकंड्रीज, और जीवन दोबारे हैं कवित्री उनको एक है प्रकार से सेकंड्रीज का के बारे में बता रही है, एक है प्रकार क्या है सेकंड्रीज है।